हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एलपी सीबीटी 2 पार्ट ए के बारे में। देखिए, सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर कितने कितने इंक्रीज करेंगे और कौन सी पेपर टफ थी, पूरा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो कम से कम इस वीडियो पर आप लोग 500 लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे YouTube की तरफ से देखिए कोई पैसा नहीं मिलता है। लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलते हैं, या डिसलाइक भी करते हैं तो उससे कुछ नहीं मिलता है। तो कम से कम आप लाइक जब करते हैं तो मैं मोटिवेट इसी लाइक से होता हूं, और आगे कोई भी अपडेट या आपको जानकारी देने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप लोग कम से कम 500 प्लस इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक आप लोग जब भी कीजिए तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कर ले अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए और सभी बच्चे इसी पे आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कौन सा शिफ्ट कितने हार्ड था, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स इंक्रीज करेंगे। सबसे डाउट यही है कि कितने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक डाउट क्लियर करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, आपका जानते हैं कि ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल का आप लोग भी देखते हैं रिजल्ट आ गई है, कुछ ग्रुप का कांस्टेबल का भी बचा हुआ है। तो देखिए, यहाँ नॉर्मलाइजेशन हुई है तो मैक्सिमम नंबर इंक्रीज किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई एक का मान के चलिए 45 था तो उसके 30-30 नंबर इंक्रीज कर गए हैं, मतलब ग्रुप डी में। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 30-30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हुए हैं, चाहे ग्रुप डी हो या एसआई हो, आरपीएफ का या कांस्टेबल हो। तो रेलवे की तरफ से नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। आप लोग इस बात को कंफर्म हो गए, सहमत होंगे, आप लोग खुद भी देखे होंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन सा पेपर टफ था। तो चलिए इस एक एक बात करते हैं कि आपका टोटल एग्ज़ाम जो 10 शिफ्ट में हुआ था, आप लोग खुद भी जानते हैं 10 शिफ्ट में हुआ था। तो आप लोग एनालिसिस नहीं किए होंगे अपने फ्रेंड से लेके कि कौन सी, कंपेयर नहीं किए होंगे कि कौन सा पेपर हार्ड था या नहीं। तो हम इसमें आपको बताएंगे, मैंने कंपेयर किया हूँ तो मुझे कुछ शिफ्ट हार्ड मिली है, कुछ मॉडरेट लेवल की मिली है, उसको कह सकते हैं मीडियम लेवल, कुछ इजी शिफ्ट की भी मिली है। तो इस पर बात करेंगे कि कौन से कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम शिफ्ट वाइज देखते हैं कि कौन सा पेपर कितने लेवल का था। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 21-21 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट मतलब तैयार किया हूँ। मैं आपको शिफ्ट वाइज बताऊँगा कि कौन से पेपर कितने हार्ड थे और मैक्सिमम नंबर कितने इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलिए 21 का मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो ये कह सकते हैं कि पूरे पेपर 10 शिफ्ट थी, उसमें पेपर ईजी थी। आप लोग भी जानते हैं यहाँ पर लड़के जितने मिले, मुझे 40-50% लड़के ऐसे मिले हैं जो 70+ नंबर यहाँ पर ला रहे हैं। मतलब रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब रॉ मार्क्स कर रहा हूँ। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो गई तो समझ सकते हैं कि अगर इनके 15-20 भी नंबर इंक्रीज हो गए या 10 नंबर भी इंक्रीज हो गए तो ये 80 नंबर चले जाएंगे। 5 भी अगर इंक्रीज होते हैं तो 75% हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि ये पेपर आप लोग भी जानते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे करेंट अफेयर चाहे मैथ को, तो इतनी छोटी छोटी क्वेश्चन आई थी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये सबसे, कि आप सोच भी सकते हैं कि एक एक मतलब कुछ को तो आप डायरेक्ट देख के भी आंसर लगा सकते थे यहाँ पे। अब बात करते हैं कि सेकेंड शिफ्ट की, तो जितने ही शिफ्ट ये ईजी थी उतने ही इसको हार्ड कर दिया गया था सेकेंड शिफ्ट में। आप लोग भी जानते हैं यहाँ पर लड़के 45-50% अच्छे लड़के 55 या कुछ कुछ 50+ में रह गए हैं, इतने एवरेज की बात कर रहा हूँ, 45-50 के एवरेज में बात कर रहा हूँ। 45-50 नंबर में ही रह गए हैं यहाँ पे, तो इतने ही इंक्रीज किए हैं। तो यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम नंबर इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो यहाँ 25-30 नंबर तक इंक्रीज होने के चांस है। और यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो यहाँ 10-15 नंबर के बीच में हम इंक्रीज बता रहा हूँ कि कर सकता है यहाँ पे, 10-2 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है कि क्योंकि पेपर इजी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं 25-30 नंबर तक इंक्रीज करने के संभावना है। अब बात करते हैं कि थर्ड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट यहाँ पे मतलब फर्स्ट के शिफ्ट के इतना तो इजी नहीं था, इससे थोड़ा सा ऊपर था, इसको कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो यहाँ पर आपका 20+-2 या 5-3 नंबर मान सकते हैं कि इंक्रीज होने की संभावना है यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में,
क्योंकि यहाँ पे सबसे इजी फर्स्ट शिफ्ट थी। मुझे देखिए कोई आपको इजी कहने से या मुझे इजी कहने से कुछ नहीं मिलता है। अगर पेपर आप लोग खुद देख दिए होंगे या अपने फ्रेंड से कोई दूसरे शिफ्ट के कंपेयर किए होंगे तो आपको खुद लग गया होगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं या मेरे पेपर का लेवल क्या था। तो आप लोग यहाँ कन्फर्म हो गए कि कितने कितने नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि 22 का, तो देखिए दोस्तों यहीं पे 22 बना लीजिए इसका। 22 जनवरी का बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ भी मॉडरेट लेवल की पेपर थी, मॉडरेट लेवल की थी, तो इसमें कह सकते हैं कि 20 नंबर इंक्रीज होने की संभावना है। यहाँ पे मॉडरेट में भी थोड़ा हल्की सी ईजी थी, मतलब कह सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ भी टफ थी पेपर। जो फर्स्ट शिफ्ट 21 का फर्स्ट शिफ्ट था, सेकेंड शिफ्ट था, उतना ही यही कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट की भी। सेकेंड शिफ्ट ये भी टफ था, तो यहाँ पेपर ये टफ थी, यहाँ 22 कर लीजिएगा, यहाँ ये भी पेपर टफ थी, तो इसके 25 से लेकर 30 नंबर तक बढ़ने की नॉर्मलाइजेशन में संभावना है। यहाँ पे अगर आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं या कितने गलत हुए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जितना ही शेयर कीजिएगा, अगर आपके फ्रेंड भी शेयर करेंगे तो आप वहां पे कंपेयर खुद कर सकते हैं कि कितने कितने नंबर आए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं पार्ट ए में। अब बात करते हैं कि थर्ड शिफ्ट में, तो यहाँ पर भी मॉडरेट पेपर थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 15 से लेकर 20 नंबर बढ़ने की संभावना है। ये थर्ड शिफ्ट की बात करता हूँ यहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं 23 की बात, 23 जनवरी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बना लीजिएगा, 23 जनवरी। अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ पे मॉडरेट था, इसमें मॉडरेट प्लस हार्ड कह सकते हैं इसको। यहाँ पे न्यूमेरिकल थी जो आ गई थी यहाँ पे, उसी लिए पेपर हार्ड हो गया था। और न्यूमेरिकल आने की संभावना जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आ गई थी, और यहाँ पे जो आप लोग भी जानते हैं कि पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो था आपका, जो आपका पार्ट ए था, जो भी इंस्ट्रूमेंट था स्केल, उससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया था, जब उन्मन किया जा सकता था वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन प्लस 5 क्वेश्चन तक, मैक्सिमम 7 नंबर क्वेश्चन तक पूछा गया है, नहीं तो ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया है। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी शिफ्ट में पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि किसी का पेपर आप ले लीजिए, 21 का फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट, न्यूमेरिकल के नंबर ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पूछा गया। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ भी सेकेंड शिफ्ट हार्ड था, मॉडरेट नहीं कह सकते इसको, यहाँ पे पेपर सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। तो यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका बढ़ने की संभावना है 25 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर तक बढ़ने की संभावना है, मार्क्स बढ़ने की संभावना है। ये पेपर हार्ड था तो यहाँ 25 से लेकर 30 नंबर तक बढ़ने की संभावना है। आप देख सकते हैं, आप लोग अपने मार्क्स जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा तो उतना ही आपका कंपेयर आप खुद कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिसके सही जानकारी सभी के पास मिल सके। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे पेपर मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, तो इसके 15 से 20 नंबर बढ़ने की संभावना है यहाँ पे। यहाँ पे ये सारे आपका अनुमान बताया गया है, कोई पर यहाँ पे अति नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, खुद लगा सकते हैं कि पेपर इजी था या हार्ड। तो यहाँ पे पेपर मॉडरेट टू इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट टू इजी, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे बढ़ने के 15 से 20 नंबर बढ़ने की संभावना है, और यहाँ पे आपका बता दें तो यहाँ 25 से 30 नंबर बढ़ने की संभावना है, और यहाँ पे 25 नंबर तक बढ़ने की संभावना है सबसे अधिक यहाँ सेकेंड शिफ्ट। देखिए तीनों शिफ्ट का जो था ना, सेकेंड शिफ्ट हार्ड लेवल था, तीनों शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट जो था हार्ड लेवल था और भी कंपेयर में। तो होप आपका कितने क्लियर हो गए होंगे पार्ट ए की। कुछ जैसे ही भी कोई अपडेट आता है या बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कम से कम इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक कीजिए, और शेयर भी हर आदमी जो अगर देखते हैं उसको ज़रूर एक वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे हम आपके लिए जितने भी मेहनत करते हैं आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट अपडेट में आपसे हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।